क्या देखेंगे हियावत्था नाम की एक पोयम देखेंगे आज ओके तो बच्चों अपने हियावत्था यानी क्या होता है हियावत्था यानी चलो देख लेते हैं क्या होता है हियावत्था वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय ही लिव्ड विथ हिस ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अग वैम तो अब क्या कह रहे हैं कि हियावत्था एक लड़का था लड़के का नाम था जो इंडियन भारतीय था और रेड क्यों कहते हैं क्योंकि वो गोरा नहीं था अपनी तरह कलर उसका था इसलिए वाइट भी नहीं और ब्लैक भी नहीं तो उसे रेड इंडियन बॉय कहते थे वो विक वैम वैम नाम की एक जगह पे रहता था किसके साथ तो उसकी ग्रैंड मदर के साथ जो ओल्ड थी वो और उसका नाम क्या था ग्रैंड मदर का नोकोमिस नोकोमिस अबाउट वंडर्स अराउंड दैम शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स द ट्रीज द इंसेक्ट्स द बर्ड्स द एनिमल्स एंड द मेनी अदर थिंग्स तब क्या कह रहे हैं कि नोकोमिस यानी कि हियावथा की, की ग्रैंड मदर उसने हियावथा को सारी चीजें जो उसके आसपास थे उसके बारे में उसको सिखाया था उसने क्या कहा था कि वो नौकोमिस no, नेियावथा को स्टार्स तारों के बारे में फिर पेड़ों के बारे में इंसेक्ट्स यानी जीव जंतु बर्ड्स पक्षी एनिमल्स जानवर और बहुत सारी चीजों के बारे में उसको बताया था ग्रीव अप टू लव दम ऑल ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू ही फिर वथा बड़ा हो गया और उसको सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ बातें कर रहा था और वो सारे यावथा के साथ बातें कर रहे थे तो अब अपने क्या करेंगे अपने पोयम शुरू करते हैं देन द लिटल हियाव लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज names and all एंड ऑल how they हाउ दे बिल्ड in summer. तो अब क्या कहते हैं कि फिर वो छोटा ही अवता था उसने सारे पक्षियों की भाषाएं सीख ली उनके नाम और उनकी जो जो सिक्रेट रहस्य थे वो सारे सीख लिए वो लोग समर में कैसे अपने नेस्ट यानी कि घोंसले बनाते थे वेर दे हाइड हाइड्स इन विंटर टॉक विद वैन एवर ही मैट देम कॉल ही हियाव चिकन और फिर विंटर में वो लोग कहाँ छुप जाते थे और वो सिर्फ आ, और बाद में वो कैसे बातें करते थे जब वो आते थे मिलते थे ही हियावता के साथ या एक दूसरों के साथ तो जब वो बातें करते थे और वो सारी चीज़ें सीख और वो सब एक दूसरे को क्या बुलाते थे चिकन यानी कि बच्चे तो उस तरह बातें करते थे ओके okay? फिर आगे ऑफ ऑल बिस्ट ही लर्न द लैंग्वेज लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स फिर सभी जानवर बिस्ट्स यानी जानवर वो सभी जानवरों की भाषा सीख गया उनके नाम उनकी रहस्य वो सब भी सीख गया हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजिस्ट वेयर द स्क्स हाइड देयर एक हाउ द रेंडर रें वाई द रेबिट वो टीम और फिर क्या सीख गया वो कि बीवर बीवर यानी वो एक नाम जानवर का नाम है वो अपने घर कैसे बनाता था फिर स्क्वीरल्स यानी कि खिसकोली वो अपने खाने के नट्स होते हैं वो कैसे छुपाती थी फिर रेंडर नाम का जानवर है वो इतनी अच्छी तरह से स्विफ्टली कैसे भागता था छोटे छोटे रैबिट्स थे वो इतने छोटे छोटे क्यों थे टॉक्ड विद देम 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 व्हेन एवर ही ही मेट हीस ब्रदर और फिर जब वो लोग मिलते थे तब वो बातें करते थे और ही ए, क्या बुलाते थे ही भाइयों यानी जानवर को वो लोग क्या बोलते थे हियाव के भाई और पक्षियों को हीवथा के बच्चे बुलाते थे राइट और इस पोयम के लेखक कौन है पोयट तो पोयट है कवि है एच डब्ल्यू लॉन्ग ओके तो देखो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है ये ही हियावत्था नाम का इंडियन बॉय है और ये पक्षियों के साथ है फिर ये जानवर भी है इन सब के साथ वो कितने अच्छे से रह रहा है बातें कर रहा है है ना तो इसी तरह और अब कुछ अपने न्यू वर्ड्स देख लेते हैं तो पहला क्या है विग तो वो जगह का नाम है बीवर्स बीवर्स यानी वो एक जानवर का नाम है एकॉन्स यानी जो नट होता है जो खिसकोली खाते हैं उसे एकॉन्स कहते हैं रियडर भी वो क्या है तो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना इसका नाम है रियडर और फिर टी मीडिया ने के बहुत छोटे छोटे ओके तो पोयम समझ में आ गई ओके तो अपने आगे क्या करेंगे कुछ एक्सरसाइजिस देख लेंगे ओके पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं ओके तो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है वो वियावथावथा कौन था वाज वॉज अंग रेड इंडियन बॉय वो एक छोटा सा ब्रैंड इंडियन बॉय था भारतीय लड़का राइट सेकेंड हुस ओल्ड ग्रैंड मदर तब क्या कह रहे हैं कि नोकोमिस कौन था तो नोकोमिस की ओल्ड ग्रैंड मदर थी थर्ड वन वॉट इज थर्ड क्वेश्चन वॉट डिड ही लर्न अबाउट बर्ड्स उसने यानी कि किसने पक्षियों के बारे में क्या सीखा था द आंसर ही लर्नट द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स द नेम्स एंड ऑल द सीक्रेट सर्च एस हाउ द बिल्ड द नेक्स्ट वेर दी हाइड दम सेल्व ड्यूरिंग विंटर्स एक्सेट्रा तो उसने क्या क्या सीखा था तो पक्षियों की भाषा उसके नाम उसके रहस्य जैसे कि वो लोग उनके घोंसले कैसे बनाते थे फिर विंटर में वो लोग कैसे छिप जाते थे एक्सेट्रा फिर क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर क्या है वट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बिस्ट तो जानवर के बारे में कौन सा रहस्य वो सीखा था ही लर्न हाउ द बीवर्स बिल्ड दर लॉजिस्ट वेर द स्वरल फूड हाउ द रियडर रन सो स्विफ्टली एंड यानी कि उसने जानवर के बारे में ये सीखा था कि कैसे वीवर अपना घर बनाता है स्क्वीरल्स अपने खाना छुपाते हैं इतने अच्छी तरह से क्यों भागते हैं और रैबिट वो इतने छोटे क्यों थे ओके बच्चों तो क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए ओके वेरी गुड तो अब अपने क्या करेंगे अपने आ, बाकी की सारी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके okay, अभी तक इस वीडियो में अपने क्या सीखा पोयम देखी और क्वेश्चन आंसर्स देख लिए इस पोयम के अंडरस्टूड ना और क्वेश्चन आंसर्स आपको कहाँ लिखने हैं एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में ओके वंदे मातरम